बीजेपी को वोट न देकर धोखा आपने बीजेपी को नहीं दिया, आपने धोखा अपने बच्चों, परिवार और अपने देश को दिया है। मैं सुरेश भार्गव, आज बहुत वक्त हो गया बोलने को, अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ऐसा ही हुआ है इन 5 राज्यों में जो मुझे बहुत मजबूर कर दिया है। एक ऐसे हालात बन चुके हैं, अपने आप को एक राजस्थानी कहना भी शर्म आ रहा है, शर्म से सर झुक गया है हम हिंदुस्तानियों का, हम राजस्थानियों का, जो एक सच्चे और ईमानदार नेता को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका साथ हम सब ने छोड़ दिया है, कुछ है मंदबुद्धि लोग जिनको नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, जिन लोगों को एक दुनिया में एक हंसी का पात्र बना हुआ राहुल गांधी, उसमें दुनिया को और हमारे हिंदुस्तान को भविष्य दिखता है। हमारी हार नहीं है ये पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व की और राष्ट्र की हार है, हम सब की हार है ये। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलने में वक्त नहीं लगेगा, एक ऐसा दिन आएगा। अगर आज आपका मन व्यथित और दुखी है तो यकीन मानिए आप सच्चे हिंदू हैं, और मोदी जी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री भारत जैसा भ्रष्टाचारी देश डिजर्व नहीं करता। इनको वही पुरानी खाओ और खाने दो वाली सरकार चाहिए। मैं इन 5 राज्यों की हार से दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ हिंदुत्व की हार से। जिस रैली में, जिस कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कितने शर्म की बात है ये हम सब के लिए। एक ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी जो देश के लिए लड़ रहे हैं, लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं है जब हिंदुस्तान में आपको अपने घर में डर के रहना पड़ेगा, आपको डर लगेगा हर पल। अपने अंतर आत्मा और अपने जहन से एक बार पूछ कर देखिए, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जैसे काम कर सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान को वो पहचान दे सकते हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। जिन लोगों को राहुल गांधी में भविष्य नजर आता है, उन लोगों को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में बात करना अपने टाइम को व्यर्थ करना है। एक ऐसा नेता जिसने पूरे ब्रह्मांड में हमारी पहचान बना दी है, हमारे हिंदुस्तान को, विदेशों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को पता है कि हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है। मोदी का इतना नाम है, एक ऐसा प्रचंड, एक ऐसा देवता जैसा आदमी है, उस सबका लोग साथ छोड़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। ग्रामीण इलाकों से वोटिंग करके जो लोग जाते हैं वोट देने के लिए, उनको क्या पता नरेंद्र मोदी कौन है और राहुल गांधी कौन है। कुछ अनभिज्ञ लोगों की बातों में आकर वो वोट दे देते हैं, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। 6 महीने के बाद वो लोग खुद रोएंगे कि एक ऐसा नेता खो दिया जो नहीं करना चाहिए था, ऐसा एक ऐसा कदम उठा लिया कुछ बहकावे में आके, कुछ लोगों की मनगढ़ंत बातों में आके। कर्ज माफी को लेके बहुत से ऐसे दावे करते हैं कांग्रेस, लेकिन किया अब तक कुछ भी नहीं है। अब सोने से काम नहीं चलेगा, हिंदू जाग जाओ और एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आना है। पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दो, मई में 2019 में जो चुनाव होते हैं उसमें मोदी जी को जिताना है। जय हिंद।